हाय फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ सूरन की टेस्टी सब्जी एक बहुत ही आसान विधि से। सूरन को जिमीकंद भी कहते हैं और भी बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। ये सब्जी मैं आज कुकर में बनाऊंगी एक ट्रिक से। आप भी इस विधि को फॉलो करिए और बहुत ही आसानी से ये टेस्टी सब्जी बनाइए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि दिवाली एवं एकादशी पर ये सब्जी बनती ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूरन की सब्जी बनाना। यहाँ पर हमने प्याज ले लिया है, जिसे हमने रफली कट कर लिया है और इसको इस तरह से अलग अलग करके रख लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने सूरन तो मिट्टी में उगता है, इसलिए इसमें बहुत सारा मिट्टी होता है, इसलिए हम पहले उसको अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद उसको छील करके कट करके फिर वापस से धो लेते हैं और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है, उसे भी इस तरह से सूरन के ही जैसा कट कर लिया है। आप चाहे तो आलू स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक टमाटर लिया है और प्याज हमने यहाँ पर 3 लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने अदरक लहसुन और एक मिर्च ली है, उसको हम पेस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर हम कुकर चढ़ाते हैं और उसमें डालते हैं लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 2 से 3 तेज पत्ता। इसको डालने के बाद हम यहाँ पर डालते हैं 2 साबुत लाल मिर्च और डालेंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी हींग। अब जैसे ही ये हमारे मसाले तेल में भुन जाते हैं थोड़े से, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए प्याज। देखिए हमने किस तरह से प्याज को कट किया है, इसको हम डालते हैं और अच्छे से मिलाते हैं। बस इसको हम थोड़ी देर बस तेल में मिलाएंगे और इसके बाद जस्ट हम डालेंगे। ये देखिए प्याज हमारा इस तरह से हो गया है। अब हम इसमें जस्ट डालेंगे अपने कटे हुए सूरन। सूरन को हम प्याज के ही साथ ऑयल में फ्राई करते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब्जी हम चूंकि कुकर में बना रहे हैं तो इस वजह से हमें इसको तेल में अच्छे से भूनना होगा, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम प्याज के साथ अच्छे से भूनते हैं सूरन को। ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस टाइम में हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और डाल के अच्छे से मिला देते हैं। हल्दी से इसका कलर, इसका स्वाद दोनों ही बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। हम ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालेंगे, फिर भी ये सब्जी अगर आप इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी कम से कम मसाले में। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिला दिया। अब यहाँ पर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, लगभग ये 2 स्पून है। अब इसको हम डाल करके अच्छे से मिला देते हैं। हमारे मसाले सूरन और प्याज के साथ अब इसी में भुन रहे हैं अच्छे से। देखिए तेल भी छोड़ रहा है। अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 मिनट के लिए। ये देखिए कैसे तेल हमारा मसाला छोड़ रहा है। ये हमारा लगभग भुन भी गया है अच्छे से, इसमें हल्दी धनिया पाउडर सब अच्छे से भुन गया है। अब इस टाइम में हम डालेंगे अपने कटे हुए टमाटर। इसमें हम टमाटर बहुत ही कम डालते हैं, एक टमाटर हमने यहाँ पर कट करके डाला है। और जैसे ही टमाटर गया तो नमक तो जाना ही है, हम यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक और इसको हम डाल करके अच्छे से मिलाते हैं। और उसके बाद डाला यहाँ पर हमने अपना आलू। आलू टोटली आप ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको सूरन के साथ आलू नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा देगी मिर्च, जिससे इसका कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छा आता है। हम एक के बाद एक इसी तरह से सारी चीज़ों को डालेंगे। अब हमने यहाँ पे डाला है गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच
इसको भी डाल के हम अच्छे से मिला देते हैं। और देखिए हमारा सब्जी का कलर देखिए आप कितना प्यारा आया है। अगर इसमें आप हल्की ग्रेवी चाहते हैं, ऐसे ही खाना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए आधा कप और सीटी लगा दीजिए। लेकिन मैं इस सब्जी को ग्रेवी में बना रही हूँ। अभी यहाँ पर हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, अब ये पूरी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैं पानी करीब 2 कप डाली हूँ क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए। अगर आप ग्रेवी नहीं चाहते तब थोड़ा सा पानी डालिए बस स्टीम लगाने का, बस उतने में ही आपकी सब्जी पक जाएगी। अब यहाँ पर हम 2 सीटी लगा देते हैं। जैसे ही 2 सीटी आता है आप इसे अपने से खुलने दीजिए। अब ये देखिए हमारा 2 सीटी आ गया है और ये हमारी सब्जी पूरी अच्छे से पूरी तरह से पक गई है। और देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब जैसे ये हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई है, अब इस टाइम पे हम यहाँ पे डालेंगे अमचूर पाउडर। 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है अमचूर पाउडर और इसको हम डाल करके अच्छे से मिला देते हैं। इससे सूरन की सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है और इसकी ग्रेवी जो थोड़ी सी पतली थी वो इस अमचूर की वजह से और थिक हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। ये हमारा सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसको सर्व करते हैं। हमने इसको इस तरह से बाउल में निकाला। देखिए सब्जी कितना अच्छा बना है ये सब्जी, इसका कलर कितना अच्छा है और जितना अच्छा इसका कलर है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अब इसको हम धनिया पत्ती से इस तरह से गार्निश कर देते हैं। इसको आप रोटी चावल पूरी पराठा किसी के भी साथ खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा ये सब्जी। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे, ये इतना टेस्टी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।